नई शिक्षा नीति हम लेकर आई हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़े रिफॉर्म के रूप में आ रही है, सारी दुनिया ने स्वीकार। मुझे खुशी है कि हमारे देश में भी उत्सव के रूप में इस नई शिक्षा नीति 2020 को स्वीकार किया है। जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा, हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। मेरी शुभकामना आप पूरी ताकत के साथ और बहुत आत्मबल के साथ बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे, वक्त भी हमारे पास है। प्रिय छात्रों, छात्राओं, आदरणीय अभिभावकगण और आदरणीय अध्यापकगण, जैसे कि हम पीछे के समय में 10 दिसंबर 2020 को और 22 दिसंबर 2020 को और उससे भी पहले हम लगातार संवाद करते रहे हैं और आपके कई मेल मुझे मिले हैं और आपने लगातार ये चाहा है कि कब और कैसे करके परीक्षा होंगी। आपके बहुत सारे सुझाव हमारे शिक्षा संवाद में मुझे मिलते रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि इस दुनिया के कोरोना काल की जो सबसे बड़ी महामारी और इस संकट के दौरान भी जिस तरीके से आप लोगों ने स्वयं को तैयार किया है, छात्र छात्राओं को मदद के लिए अध्यापक और अभिभावकगण ने पूरी ताकत के साथ बच्चे की मदद की है, छात्र छात्राओं की मदद की है, अपने बच्चों की मदद की है, मैं विशेष करके अध्यापक गण के प्रति और अभिभावकों के प्रति बहुत आभारी हूँ कि जब पूरी दुनिया एक एक वर्ष पीछे अपने पाठ्यक्रमों को ले गई, अपने सत्र को ले गई, ऐसे अवसर पर हमने अपने बच्चों का साल खराब नहीं होने दिया और बहुत सक्रियता, सजगता और सुरक्षा को साथ ले करके हम लोगों ने परीक्षाएं भी कराई हैं और एक वर्ष पूरी तरीके से बचाया है बच्चों का। और छात्रों ने भी जिस मनोबल से काम किया है और बड़े धैर्य के साथ, पूरी ताकत के साथ जिस ढंग से परीक्षा दी है, ये निश्चित रूप में पूरी दुनिया में एक अपने आप में बहुत अद्भुत उदाहरण है। क्योंकि इस देश का यदि सामर्थ्य देखा जाए तो 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं और 45-50 हज़ार डिग्री कॉलेज हैं, जहां 1,10,00,000 अध्यापक हों और जहां 15-16 लाख स्कूल हों और छात्र छात्राओं की टोटल संख्या यदि देखें तो मैं बार बार कहता हूँ कि अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी अधिक 33 करोड़ हमारे छात्र छात्राएं हों और जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान और कोविड की इस महामारी के संकट में भी पूरी ताकत के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में जिस तरीके से हर चुनौती का मुकाबला देश के लोगों ने किया, तो मेरे छात्र छात्राओं आप भी पीछे नहीं रहे, मेरे अभिभावक भी पीछे नहीं रहे हैं और मेरे अध्यापक तो योद्धा बन करके सामने रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमने बच्चों को इस बीच ऑनलाइन पढ़ाया भी है, उनके परीक्षाएं भी करवाई हैं, रिजल्ट भी दिया और अब हम आगे की इस सत्र की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और डिजिटल इंडिया जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन था, इस कोरोना काल ने उस विजन को क्रियान्वित किया। धरती पर मैं समझता हूँ कि 33 करोड़ छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पर लाना दुनिया सोच भी नहीं सकती है। हाँ, अभी कुछ छात्र छात्रा ऐसे हैं जिनके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, जहाँ नेट की सुविधा नहीं है, लेकिन हमने उनको भी वंचित नहीं रखा। हम टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से और जैसे कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की हमने बात की थी और वन क्लास वन चैनल की बात की थी और हमारे स्वयं प्रभा के 32 चैनल जो 24 घंटे हमारे छात्र छात्राओं के लिए समर्पित हैं, डीटीएच पर उनकी समर्पितता है और उसी से जो छात्र दीक्षा पर नहीं आ सके हैं, अब उसके कारण उनको दिक्कत हुई, मोबाइल में नहीं
उसको पा सकें, उनको भिन्न भिन्न तरीके से हम लोगों ने किया, लेकिन मुझे इस बात को खुशी इस बात की खुशी है और ये कहते हुए मुझे गर्व भी महसूस होता है कि हिंदुस्तान की शैक्षणिक को जो गतिविधियां हैं वो पूरी ताकत के साथ खड़ी रही हैं, चरमराई नहीं है। हाँ, कभी हमने पाठ्यक्रम को कम किया, लगातार हम शैक्षणिक कैलेंडर को जारी करते रहे, हम छात्रों से सीधा संवाद करते रहे, हम अभिभावकों से संवाद करते रहे, हम अध्यापकों से, अब सबसे हम संवाद करते रहे, और जो जो भी कठिनाई आई हमने मिल करके उसका समाधान किया। और मैं अपने अधिकारियों के प्रति भी मंत्रालय के कि 24 घंटे में से 20 20 घंटा 18 18 घंटे रात और दिन काम करके, और जिस तरीके से मेरे देश के 33 करोड़ छात्रों में से 25 करोड़ तक ऑनलाइन पर लाने में सफलता प्राप्त किए, दुनिया का अद्भुत उदाहरण है। और हमने जेईई और नीट की भी परीक्षाओं को कराया और बहुत सुरक्षित तरीके से, दुनिया नीट भी दुनिया की सबसे बड़ी इस कोरोना काल की परीक्षा थी और जो बहुत ही सफलतम रहा है। मैं सोचता हूँ कि मनोदर्पण जैसे कार्यक्रमों को भी हमने किया, और उससे पहले जो जेईई की परीक्षा के लिए जो एनटीए ने ऐप बनाया था, और लगातार कैसे करके छात्र को जो संभव हो सकता है वो क्या क्या किया जा सकता है, लगातार इस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। और मेरे छात्र छात्रों, मुझे लगता है कि कभी एक समय था जो मोबाइल पर हम अपने केवल मित्रों से बात करते थे, अब मोबाइल पर हम दीक्षा को डाउनलोड कर रहे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं। एक समय था जब आप ईयरफोन लगा करके केवल गाना सुना करते थे, लेकिन आज वो ईयरफोन लगा करके आप पाठ्यक्रमों को सुनते। एक समय था जब टेलीविज़न केवल मनोरंजन का विषय होता था, लेकिन आज वही टेलीविज़न हमको शिक्षा के काम में भी ला रहा है, हमारे पाठ्यक्रमों को हमको समझा रहा है, स्वयं प्रभा पर हम उसको अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत आमूलचूल तेजी से बदलाव आ रहा है। जो नई शिक्षा नीति हम लेकर आए हैं, पूरी दुनिया में सबसे बड़े रिफॉर्म के रूप में आ रही है, सारी दुनिया ने स्वीकार, मुझे खुशी है कि हमारे देश ने भी उत्सव के रूप में इस नई शिक्षा नीति 2020 को स्वीकार किया है। मैं समझता हूँ कि आपके मन में जरूर है कि कब ये परीक्षा, हमने पहले भी कहा था जब पहले के संवाद में कि हाँ फरवरी तक आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि आपकी अनिश्चितता सी बनी है, जनवरी और फरवरी, जनवरी आ गया और पहले जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाते थे, परीक्षाएं शुरू हो जाती थी, तो मार्च तक वो पूरी होती थी। और इन परिस्थितियों में बहुत आपसे संवाद करने के बाद और व्यापक परामर्श करने के बाद अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा, हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे, और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे, और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। मेरी शुभकामना, आप पूरी ताकत के साथ और बहुत आत्मबल के साथ बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे, वक्त भी हमारे पास है और आपको पाठ्यक्रम भी बहुत अच्छा आ रहा है। और सीबीएसई ने वैसे भी इन प्रस्तुतियों में 30% पाठ्यक्रम को अपना कम किया है, और लगातार आपके साथ हम संवाद में हैं। सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन लगातार इस दिशा में नजर रखे हुए हैं और पूरा तंत्र वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे भरोसा है कि जो 4 मई से होने वाली जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके लिए आप बहुत मनोबल से तैयारी करेंगे और पूरी ताकत के साथ और बिना किसी संकोच के आप अपनी परीक्षा को देंगे, मस्ती के साथ परीक्षा को देंगे। और जो विदेशी, क्योंकि देश से हट करके दुनिया के लगभग 25-26 देशों में जो सीबीएसई के स्कूल चल रहे हैं, दुनिया के इन 25 देशों में रहने वाले छात्र छात्राएं भी यदि मेरी बात को सुन रहे हैं, तो
उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके बिहार समाधान को करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप सभी छात्र छात्राएं बहुत मनोयोग के साथ बिना किसी तनाव के अपनी परीक्षाओं को देंगे। मैं आपके अभिभावकों को और आपके अध्यापक गण को एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्ते। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।